हेलो दोस्तों, मैं अरविंद शिक्षा आश्रम में आप सभी का स्वागत करता हूँ। और आज जो हमारा टॉपिक चल रहा है वर्तमान में, कौन सा चल रहा है बताइए जरा। पाइप टैंक इनर वाला चल रहा है और इसको आज हम खत्म करने वाले हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं। जो बनते हैं मैंने आपको सारे टाइप करा दिए हैं, तो आप घर पर प्रैक्टिस करिएगा इसकी। और ये वाला जो टॉपिक है ना दोस्तों, अपने टाइम एंड वर्क उससे पूरा सिमिलियर है, बिल्कुल उसके जैसा ही आपको इसमें करना है ना। और कल की क्लास में हम अच्छे क्वेश्चन लेने वाले हैं टाइम एंड वर्क के, महिला पुरुष और बच्चों पे आधारित क्वेश्चन। तो कल उसका एक अलग से ही सेपरेट वीडियो बनने वाला है ना। चलिए, तो क्लास को शेयर कर दीजिए फटाफट और हमारे साथ जुड़ जाइए, फिर कुछ समय के बाद हम क्लास को स्टार्ट करने वाले हैं। चलिए, क्लास को शेयर कर दीजिए। और आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले, तो आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो दोस्तों, एग्जाम आ चुकी है, सॉरी एग्जाम नहीं, वैकेंसी आ चुकी है अभी तो। और एग्जाम तो आपके 3 मार्च की होगी, लेकिन 29 नवंबर से आपके जो है जेल बेरी की एग्जाम स्टार्ट होने वाली है, तो उसकी तैयारी भी अच्छे से रखिएगा। विकास सर ने जेल पहरी का जितना भी सिलेबस था उसको एक बार डिस्कस करवाया था, तो आप प्ले लिस्ट में जाकर वहां पर सर का वीडियो देख सकते हैं कि क्या क्या पूछा जाता है। वैसे तो आप देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि अब तो एग्जाम ही आने वाली है। आपके कॉन्स्टेबल का जो एक सेपरेट वीडियो बनाना है, पूरे सिलेबस का क्या क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, उसके ऊपर भी बहुत जल्द एक वीडियो आने वाला है आपके लिए, तो देखना ना भूलेगा। और आप बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा, उससे आपको नए मतलब कि नए जो वीडियो आप डालेंगे ना नए वाले, तो आपको उससे नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। चलिए, कहाँ गए सब लोग, जल्दी से आ जाइए फटाफट, 7 बज चुके हैं, जल्दी से आइए, जल्दी से आ जाइए, अब लेट मत करिए, नहीं तो हम क्वेश्चन फिर लेट स्टार्ट करेंगे, मजा नहीं आएगा। तो जल्दी से आ जाइए बस सभी। इसका जो हम आज सेकंड वाला पार्ट कंप्लीट करेंगे, पहला मैंने कल पढ़ा दिया है आपको, पूरा बेसिक इसका समझा दिया है कल, ठीक है। पाइप टंकी का आपको पूरा बेसिक मैंने कल बताया है, कल इसका फर्स्ट वीडियो बन चुका है, आज जो है इसका सेकंड वाला पार्ट चलने वाला है ना। तो अच्छे क्वेश्चन है, देखना ना भूलिए इसको भी। चलिए, अब बिना किसी देरी के हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। चलिए, तो क्वेश्चन आपके सामने लगाइए, इसका आंसर क्या बनेगा। पी और क्यू एक टंकी को क्रमशः कितने 12 और 15 मिनट में भरते हैं, ठीक है। दोनों को एक साथ खोल दिया जाता है, देखिए दोनों यहां पर भर रहे हैं और दोनों को एक साथ खोल दिया जाता है। क्या बोल रहे हैं यहां पर कि दोनों को एक साथ खोल दिया जाए, तो 3 मिनट के बाद पहले को बंद कर दिया जाए, तो टंकी भरने में कितना समय और लगेगा। देखिए क्या बोला है यहां पर, कितना समय और लगेगा भरने में उसको। 3 मिनट तक दोनों साथ में चले हैं, 3 मिनट तो दोनों साथ में चले हैं, उसके बाद क्या हुआ है, नल को बंद कर दिया गया है पहले वाले को। तो ये क्वेश्चन हो चुका है शायद कल, है ना, या नहीं हुआ था, शायद हो चुका था कल, रिपीट हो गया ना। चलिए लगा दीजिए इसको भी, अगर कल हो चुका है वापस आ गया है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हमने कल करा था, तो आंसर लगा दीजिए इसका क्या बनेगा, जल्दी से, वापस आ गया आज। कल अगर आपने देखा है अच्छे से तो आपको आ जाएगा, लगा दीजिए जल्दी से, जो लोग देख रहे हैं।
इसका आया आंसर? नहीं आया। देखिए क्या करना था इसमें, हमने जो कल करा था वही हमें इसमें करना है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। देखिए पी और क्यू, ये पी और क्यू है, 12 और 15 मिनट में भरते हैं, तो इनका एलसीएम कितना आएगा? 60। 12 पंच 60 और 15 चौक कितना जाएंगे? 60। ठीक है, अब दोनों को एक साथ खोल दिया जाए और 3 मिनट के बाद पहले वाला नल बंद कर दिया जाए, यानी कि 3 मिनट तक तो ये दोनों काम करेंगे साथ में, तो कितने स्पीड से काम करेंगे? 5 और 4 9। ठीक है, 9 तिया कितने होंगे? 18, यानी कि 18 काम कर लेंगे वो, है ना? तो 60 में से 18 काम तो वो कर लेंगे, कितना काम शेष बचा है आपके पास? 32, है ना? सॉरी, 9 तिया 27, 9 दुनी 18 नहीं, 9 दुनी 27 होता है, ये सॉरी 9 तिया 27 होता है, होता है ना? तो यहाँ पे कितना बचा? 33। तो ये आपके पास शेष काम बचा है। अब अगर पहले वाला, क्या दोस्तों, अगर पहले वाला नल बंद कर दिया जाए तो अब बचा काम कौन करेगा? सेकंड नंबर वाला, ये बंद हो रहा है ना यहाँ पे पहले वाला, तो अब जो बचा यानी कि क्यू बचा है, क्यू ही काम करेगा। तो देखिए 4 की स्पीड से काम करेगा, तो 4 और 8 32, कितना बचा? 1 बचा, 1/4 आपका जो है आंसर बन जाएगा। क्योंकि यहां पर बोला है ना कि कितना और समय लगेगा, कितना और, मतलब कि 3 मिनट काम करने के बाद कितना और समय लगेगा, ये आपसे पूछा गया था। तो इसमें आप 3 मिनट मत जोड़ दीजिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो आपका ये 8 सही, 1/4 आपका जो है आंसर राइट होगा। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद करता हूँ इसमें डाउट नहीं होगा किसी को। हेलो मोनिका, हेलो सुनीता, चलिए, तो डाउट नहीं होगा उम्मीद करता हूँ। क्वेश्चन हमने कल ही कर लिया था लेकिन अभी वापस आ चुका था। चलिए अब ये वाला लगाने की कोशिश करिए कि एबीसी किसी टैंक को 6 घंटे में भर सकते हैं, 2 घंटे मिलकर काम करने के बाद सी को बंद कर दिया जाता है और ए और बी शेष कार्य को 7 घंटे में कर सकते हैं। ठीक है, तो अकेला मतलब किसी काम को, या फिर इस मतलब कि भर सकते हैं ना, मतलब कि कोई भी टंकी होगी उसको भरने वाला। ठीक है, तो शेष भाग को 7 घंटे में भर दिया जाता है, अकेला सी उस टैंक को कितनी घंटों में भरेगा आपसे पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पे समझिएगा मेरी बात को, ध्यान से सुनिएगा। ए बी सी अगर तीनों मिलके काम करते हैं तो कितना कर रहे हैं? ए प्लस बी प्लस सी कितना काम कर रहे हैं यहाँ पर? 6 घंटे काम कर रहे हैं, करने दो। लेकिन अगली वाली लाइन में क्या बोला है वो, कि 2 घंटे मिलकर काम करने के बाद, है ना, मतलब कि 6 घंटे कर सकते थे लेकिन उन्होंने 2 घंटे ही काम करा, यानी कितना काम कर लिया इन्होंने? 1/3 काम कर लिया। ठीक है ना, काटेंगे तो 1/3 आएगा। अब हमारे पास शेष काम कौन कर रहा है? ए और बी मिलके कर रहे हैं 7 घंटे में, बोला है ना यहाँ पर कि ए बी कर रहे हैं शेष काम को 7 घंटे में। ठीक है, तो अब शेष काम यहाँ से निकाल लीजिए, कितना बचा आपके पास? 2/3, है ना? ये शेष काम कर रहे हैं, मतलब कि 2/3 भाग काम कर रहे हैं कितने? 7 घंटे में। तो एक एक काम कितनी देर में करेंगे? तो देखिए तो सीधे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके, 3 ऊपर 2 नीचे, तो 7 21/3। तो 1 भाग कितनी देर में करेंगे? 21/3 घंटे में करेंगे। तो ए भी उस काम को कितने घंटे में कर रहे हैं? उस एक काम को 21/3 घंटे में कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां से आपके घंटे निकल के आ जाएंगे कितने? 21/3। अब यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए आप जरा, है ना, 6 और 21/3 का एलसीएम ले लीजिए, कितना आएगा? 21 दूना 42, 42 आ जाएगा कि नहीं आएगा? 6 कम 6, 6 से नहीं कटेगा, ये गलती हो गई कहीं पे, सॉरी, 6 से कटते जाएगा, सॉरी सॉरी ना, 6 7 42 कट जाएगा ना, सॉरी, 6 7 कितना हो जाएगा? 42, में 52 समझा था, तो 6 7 कितना हो जाएगा? 42। और 21 से 21/3 से अगर इसको काटेंगे तो 21 से कट जाएगा, 2 बार 3 दूना कितना आ जाएंगे? 6। एक मिनट रुकेगा जरा, 1/3 -1 2/3, ये ऊपर चला जाएगा तो अब ठीक है, 2 आएगा नीचे ना, मैं 3 लिख दिया था, गलती हो गई थी वहां पर, 2 आएगा। तो आप 21 से इसको काटोगे, 21 दुना होंगे 42, और 2 दुना 4, यानी कि यहाँ पे कितना आया भैया? स्पीड इनकी 4 आ गई, एबी की 4 आ गई और एबीसी तीनों की कितनी आ गई? 4 आ गई, सॉरी 7 आ गई ना। अब क्या बोला गया, क्या बोला गया है कि अकेला सी द्वारा टैंक को कितने घंटे में भरा जाएगा? तो देखिए एबीसी अगर काम कर रहे हैं कितनी स्पीड से? 7 की स्पीड से, और ए भी काम कर रहे हैं कितनी स्पीड से? 4 की स्पीड से। तो
देखिए अगर मैं यहाँ से 7 में से अगर 4 माइनस कर दूँ तो क्या मेरे पास सी की स्पीड निकल के आएगी कि नहीं आएगी, बताइए जरा, आएगी ना, कितनी आएगी, 3 आएगी। अब टोटल वर्कर जो था हमारे पास कितना था, 42 था, कौन करेगा, सी करेगा, ये पूछा गया ना कि अकेला सी उस टैंक को कितनी देर में भरा जाएगा, है ना। तो भैया पूरा ही काम यही करेगा, मतलब यही भरेगा अकेला, 3 एकम 3 और कितना बचा, 1 3 चौक कितना हो जाएंगे, 12। तो भैया 14 घंटे में वो क्या करेगा, उस टैंक को भर देगा, ठीक है। तो 21/2 कैसे आया, समझ में आया आपको या नहीं आया, नहीं आया हो तो बता दीजिए, मैं वापस से इसको करवा दूंगा। हाँ सॉरी, 21/2 आएगा, मैंने गलती हो गई थी, वहां पे 3 लिख दिया था, है ना। चलिए तो उम्मीद करता हूं कि आपको क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा, तो बताइए आया या नहीं आया, फिर अगले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। आया क्या दोस्तों समझ में क्वेश्चन, फिर अगले वाले क्वेश्चन पे चलने वाले हैं हम बहुत जल्द, बता दीजिए, आप ही का वेट कर रहा हूं मैं यहां पर। किसी को डाउट है क्या इस क्वेश्चन में? चलिए किसी का रिप्लाई नहीं आया मतलब नहीं होगा, चलिए अगले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं इसी के साथ, लगाइए। ठीक है, एक जल का हौदी है, उसको एक नल तो 30 मिनट में भर सकता है और दूसरा 60 मिनट में भर सकता है, यदि दोनों नल 5 मिनट तक खुले रखे जाते हैं फिर पहले वाले को बंद कर दिया जाता है, तो हौदी को भरने में कितना समय लगेगा, है ना, निकालिए इसको, क्या बनेगा इसका आंसर। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन हम कर चुके हैं, उम्मीद करता हूँ आप लगाओगे इसका आंसर। हेलो निशा, चलिए आप सभी आ चुके हो तो आप आंसर लगा दीजिए इसका भी, सेम क्वेश्चन हमने करा है पहले, सबसे पहला क्वेश्चन वही आया था, है ना, इसी टाइप का क्वेश्चन आया था। हेलो राजेश, चलिए बिना किसी देरी के लगाइए क्वेश्चन को आंसर। फोर्टी फाइव और चलिए बहुत बढ़िया, मान लेते हैं भैया ये 30 है और बी वाला जो है 60 मिनट में काम करता है, एलसीएम कितना आया, 60 आया, 30 दुना 60 और 60 एकम 60, ठीक है। अब दोनों नल जो है 5 मिनट तक खुले छोड़ दिए जाते हैं, ये मतलब कि चालू कब हो रहे हैं, कितने मिनट तक, 5 मिनट तक, तो कितने स्पीड से काम करेंगे, 2 और 1 3, 3 की स्पीड से काम करेंगे, कितनी देर तक, 5 मिनट तक करेंगे ना, तो 5 तक कितने हो जाएंगे, 15 होंगे या नहीं होंगे, 15 होंगे ना, तो 60 में से अगर 15 चले गए तो कितने बचे, 45 बचे, ठीक है। फिर 5 मिनट के बाद क्या हो रहा है कि फिर पहले वाला जो नल है वो बंद कर दिया जाता है, तो भैया सेकंड वाला चलेगा ना, पहले वाला बंद है तो सेकंड वाला चलेगा, सेकंड वाले की स्पीड कितना है, 1 है, तो 1 से इसको भाग करेंगे तो कितनी देर में भराएगा, 45 मिनट में। आपका आंसर क्या बनना चाहिए, ऑप्शन नंबर 4 आया ना। तो 45 जिनका भी आया है बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों, चलिए बहुत अच्छी बात है, आप सभी का आंसर आया है तो अच्छा लगता है जब आपके आंसर आते हैं। चलिए अगले वाला क्वेश्चन का आंसर लगा दीजिए, सेम क्वेश्चन है, बस इसके अंक जो है चेंज हो गए हैं।
दो नल है यहाँ पर, 20 और 25 मिनट में भर सकते हैं। दोनों नल को एक साथ खोल दिया जाए और 5 मिनट के बाद दूसरे नल को बंद कर दिया जाता है। तो बाल्टी का शेष भाग को भरने के लिए पहले नल द्वारा कितना समय लिया जाएगा? अब यहाँ पे दूसरा वाला नल जो है बंद हो रहा है, पहले वाला खुला है ना, ध्यान से पढ़िएगा। अभी हमने पहले वाले बंद करे थे, अब यहाँ पे दूसरा वाला बंद हो रहा है, लगाइए क्या आएगा इसका आंसर। यारा बहुत बढ़िया, और किसी का? कितने मिनट में? 20 मिनट में, और एक भर रहा है 25 मिनट में। दोनों का एलसीएम कितना आप 100 आएगा? 25 पंजे 100 और 25 चौक 100, ठीक है। 5 मिनट तो दोनों ने काम करा, यानी कि कितनी स्पीड से करेंगे? 5 और 4 9 9 5 45, 45 काम कर लिया। कितने में से? 100 में से कितना बचा? 55 बचा है। अब दूसरे वाले को बंद कर रहे हैं, तो भैया एक पहले वाला जो नल है उसके बारे में पूछा गया कितना समय और लेगा, तो भैया 5 से इसको डिवाइड कर लीजिए, कितना आया? 11 मिनट, ठीक है। इतने टाइम लगेगा उसको, 11 मिनट लगेंगे, ठीक है। इनके 11 आए हैं, बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों। हाँ बिल्कुल, 11 जो है आपके राइट आंसर बनेंगे। चलिए इसी बात पे अगले वाले क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्षमता वाला आ चुका है, इसकी 3 गुना है। तो हमने टाइम एंड वर्क में करा था ना कि एक ही कार्य क्षमता 20 से 2 गुनी है, 3 गुनी है ना, और दोनों मिलकर किसी होश को 20 घंटे में भरते हैं। मतलब कि भैया आप यहाँ से टोटल वर्क निकाल सकते हो, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या बोला कि तो पहले वाला नल जो है उस होश को कितने घंटे में भरेगा? तो भैया पहले वाले की स्पीड आपको आपको पता है, तो आप इससे आसानी से निकाल सकते हो। तो निकालिए क्या बनेगा। देखिए उसी पर आधारित क्वेश्चन है, बस इसकी लैंग्वेज चेंज है, बाकी वही क्वेश्चन है जो आपने टाइम एंड वर्क में करे थे। हाँ जी, लाइव क्लास का टाइम यही रहे हमारा, मैथमेटिक्स का जो है टाइम है ना क्लास, इसकी यही टाइम है, 7 बजे, 7 बजे जो है हमारी मैथमेटिक्स की क्लास शुरू हो जाती है। बाकी की भी जो क्लास है शुभम सर की, विकास सर की, बहुत जल्द शुरू होने वाली है ना, तो उनकी भी स्टार्ट हो जाएगी जीके वगैरह के लिए। 20 और किसी का? मतलब इनमें से कोई नहीं है ना आपका आंसर, डी वाला ऑप्शन। चलिए और कोई लगाइए, और अगर आपको एमपी जीके पढ़ना है, एमपी पुलिस के लिए, एमपी एसआई के लिए, तो आप विकास सर की वीडियो देख सकते हो। और बायोलॉजी में अगर आपको साइंस पढ़ना है तो सारी ही एमसीक्यू जो वीडियो है ना शुभम सर की देख लेना प्लेलिस्ट में जाकर। हाँ जीके का भी शुरू होगा दोस्तों, जीके भी जल्द ही स्टार्ट होने वाला है। अभी सर जो है छुट्टी पे चल रहे हैं, तो दोनों ही सर छुट्टी पे चले गए, और हमारा जो मैनेजमेंट है वो भी छुट्टी पे चले गए, तो 1-2 दिन में है जो उनकी भी क्लास स्टार्ट हो जाएगी, जीके आपको मिल जाएगा, और जो भी टाइमिंग रहेगा आपको बता दिया जाएगा। चलिए सी ऑप्शन का आ रहा है आपका, चलिए 26 2 3 आ रहा है, चलिए देखते हैं। अब क्या बोला है कि पहले वाला नल अपन ए मान लेते हैं और इसको भी मान लेते हैं, तो पहले वाले नल की क्षमता दूसरे की अपेक्षा कितना है? 3 गुना है। मतलब कि कितना? 3 और 1 का रेशो। क्षमता बोला है ना, मतलब उनकी स्पीड आई है ये कितनी? 3 और 1। मतलब कि ए जो है 1 दिन में 3 काम कर सकता है, और बी जो है 1 दिन में 1 काम कर सकता है। मतलब स्पीड से कौन काम कर रहा है भैया? तो ए काम कर रहा है ना।
अब दोनों मिलकर कितना काम करते हैं, 20 घंटे काम करते हैं, तो उनकी स्पीड के साथ अगर उनके घंटे का मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो हमारे पास निकल के क्या आता है, टोटल वर्क निकल के आता है। तो स्पीड कितना है दोनों की, 3 और 1 4 है, कितने घंटे काम कर रहे हैं, 20 घंटे, तो टोटल वर्क क्या निकल के आएगा, 4 × 2 = 8 यानी कि 80 है ना। अब क्या बोला है यहां पर कि पहला नल उस होज को कितने घंटे में भरेगा, तो भैया पहले वाला की क्या बात है, मतलब कि क्या स्पीड है, 3 है ना, 3, तो बस 80/3 कर दीजिए, कितना है, 3 × 6 = 6, कितना बचा, 2 बचा, 3 × 6 कितना हो, 18, 2 बचा/3, तो 26 सही, 2/3, जिनका भी आया बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इसका जो है करेक्ट हो जाएगा, है ना। चलिए इसको डाउट है क्या इस क्वेश्चन में, बड़ा इजी क्वेश्चन था, हाँ सी वाला जो है बिल्कुल राइट आंसर इसका। चलिए अगले वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, लगाइए इसका आंसर, दो नल है ए और बी, 8 घंटे और 12 घंटे में भर सकते हैं, यदि पहले वाला नल 6 बजे खोल दिया जाता है और दूसरा 7 बजे खोला जाता है, तो बताओ कि होज कितने घंटे में भराएगा। चलिए कोशिश करिए करने की, 1 मिनट का टाइम देता हूं मैं आप सभी को, अब यहां पे थोड़ा सा टाइम का दे दिया है आपको, कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में भी, चलिए टाइम है आपके पास, करिए, मैं आपका वेट कर रहा हूं, क्वेश्चन का सॉरी आंसर का, क्वेश्चन तो मेरे सामने ही है और आपके भी सामने ही है, आंसर निकाल के दिखाइए। चलिए 1 मिनट आपका पूरा हो चुका है, किसी का आया हो तो बता दीजिए, आया क्या किसी का आंसर, चलिए समझिएगा आप यहां पर ध्यानपूर्वक, ए है और बी है ना, एक होज को 8 घंटे में और 12 घंटे में भर सकते हैं, इनका एलसीएम कितना आया, 24 आया, तो 8 + 24 और 12 × 24 आ गया, ठीक है, यहां तक पिक्चर क्लियर हो गई, ठीक है। अब पहला नल जो है 6 बजे खोला जाता है, तो पहला नल 6 बजे खोला जाता है और दूसरा कितने बजे खोल रहे हैं, 7 बजे खोल रहे हैं, तो देखिए 6 से 7 किसने काम करा, 1 घंटा किसने काम करा, ए ने करा कि नहीं करा बताइए जरा, ए ने करा ना, है ना, तो 24 काम था, 1 घंटा अगर, 1 घंटा अगर किसने काम करा, ए ने काम करा, तो कितना करा, 3 काम करा ना, ये 3 की स्पीड है ना इसकी 1 घंटे की, तो 3 काम करा इसने, माइनस कर लीजिए 3 काम तो हो गया, कितना बचा, 21, कितना बचा दोस्तों, 21 काम बचा। अब 7 बजे दूसरा नल खोल दिया जाए, लेकिन पहले वाले को बंद थोड़ी ना करा है क्या, पहले वाला तो खुला ही है, पहले वाले को बंद थोड़ी ना करा है क्या, तो दूसरा नल कितने बजे खुल रहा है, 7 बजे खुल रहा है, तो देखिए 7 बजे खुल रहा है, तो दोनों नल जो नल है जो खुले हुए हैं, तो 3 और 5 की स्पीड से भरेंगे, तो कितना काम बचा था, 21, तो बस इसको कितनी देर में भरेंगे, निकाल लीजिए, 5 × 24 कितना है, 1 बचा और 5/2, तो बताओ कि होज कितने घंटे में भराएगा, तो 4 से 1/5 घंटे में भराएगा, सिंपल सी बात है ना, ठीक है, किसी को डाउट है क्या इस क्वेश्चन में, वो तो पूछ लो, हाँ 4 से 1/5 इसका जो है इसका आंसर बन जाएगा। बी वाला, देखिए बी वाला सही होता अगर उसने ये बोला होता कि पूरा काम है ना, कि पूरा कितना उसको टाइम लगेगा भरने में, लेकिन इसने पूरे की नहीं बोला था, इसने बोला है कि तो बताओ कि होज कितने घंटे में भराएगा, तो यहाँ पे थोड़ा सा लैंग्वेज का दिक्कत आता है, समझिएगा उन चीजों को, है ना, तो 4 से 1/5 जो है इसका राइट आंसर बन जाएगा। चलिए अगले वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं,
बताइए, एक नल है जो होज को 8 घंटे में तथा दूसरा जो है 14 घंटे में भरता है। पहले नल को होज में भरने से ठीक 1 घंटे पहले बंद कर दिया जाता है, तो बताओ कि कितने समय में भरेगा। करिए इस क्वेश्चन को। क्या बोल रहा है वो कि पहले नल को होज भरने से, क्या पहले वाले नल की बात कर रहे हैं, ठीक भरने से ठीक 1 घंटे पहले किसको बंद कर दिया जाता है, पहले वाले नल को, तो होज कितने समय में भरेगा, यह आपसे पूछा गया है, बताइए। चलिए 1 मिनट देता हूं मैं आपको इस क्वेश्चन को करने के लिए, ठीक है, टाइम शुरू होता है आपका, करिए। चलिए, आया किसी का या नहीं आया बताइए, डी वाला, इनमें से कोई नहीं, तो आंसर क्या आ रहा बता दीजिए, जो थोड़ा सा चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। ये बी है, ये 8 घंटे में भरता है और ये 14 में भरता है, दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 14 चौक 56, और 8 6 7 56 होता है, और 14 चौक 56 हो जाएगा, ठीक है। अब पहले वाले नल को होज भरने से ठीक 1 घंटे पहले, है ना, तो वो 1 घंटा जो है ना वो कौन करेगा, पहले वाला तो बंद कर दिया गया, अब एक जो घंटा बचा लो लास्ट वाला, वो कौन काम करेगा, वो भी करेगा या नहीं करेगा, करेगा ना, तो 56 में से 4 काम वो कर लेगा, कितना बचेगा, 52 काम और बचेगा। अब 52 काम जो बचा है वो तो दोनों मिलकर ही कर रहे होंगे, है ना, तो दोनों मिलकर ही कर रहे होंगे, तो 7 और 4 कितना, तो 11 होते हैं, तो 11 से इसको आप डिवाइड करोगे तो दोनों ने कितनी देर में काम करा वो आपके निकल के आ जाएगा, तो 11 चौक होगा 44, कितना बचा है यहाँ पर, 6 और 2 8, यानी कि 8 सही सॉरी 4 सही 8/11, ठीक है, तो ये तो क्या हुआ आपका, इन दोनों का साथ में, और वो 1 घंटा पहले, पहले वाला नहीं दोस्तों, ये 1 घंटा पहले वाला नहीं है, ये लास्ट वाला 1 घंटा है ना, और यहाँ पे क्या बोला गया, तो होज कितने समय में भराएगा ये पूछा गया है, यहाँ पर बंद नहीं करा है, ये तो क्या बोला है कि 1 घंटे पहले बंद करा था, तो ये लास्ट वाला काम है, और दोनों ने जो साथ में मिलकर करा उसका टाइम लगा है 4 सही 8/11, और 1 घंटा जो लास्ट का ये वाला जो बचा था यहाँ पर, है ना, तो ये भी ऐड होगा इसके अंदर, तो 4 और 1 कितना हो जाएगा, 5 सही 8/11। पहले वाला क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी अलग थी, यहां पर अलग है ना, तो 4 से 8/11 नहीं आएगा, थोड़ा सा समझिएगा बात को, क्योंकि तो यहां पर जो 1 घंटा दे रखा है ना, वो 1 घंटा इसलिए जोड़ रहे हैं क्योंकि ये जो 1 घंटा है वो लास्ट वाला है, पहले वाला नहीं है दोस्तों, समझ में आ रही है ना बात, तो 5 से 8/11 जो है ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा यहां पर। हाँ, 3/11 कैसे आएगा, बी किसका आ रहा है आंसर, ये पहले वाला जो जिसका आ रहा है ना, पहले वाला सही है, ठीक है ना। चलिए अगले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं इस क्वेश्चन में, हो तो भी बता दीजिएगा, एक बार और समझाएंगे, चलिए एक बार और समझा लेते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए ए है, बी मान लेते, ठीक है, ये 8 घंटे में कर रहा है, ये 14 घंटे में कर रहा है, दोनों का एलसीएम जो है 56 आ गया है, 8 7 56 और 14 चौक 56 होता है, ठीक है।
अब क्या बोल रहा है पहले वाले, देखिए यहाँ पे मैं कुछ लाइन बना लेता हूँ यहाँ पे ना, ये काम हो गया। ये टोटल काम जो हमारे पास है कितना है, 56 है ना, 56 काम है हमारे पास। अब पहले नल को होज भरने से ठीक 1 घंटे पहले, तो देखिए टैंक जो है यहाँ पे भराएगा, लेकिन 1 घंटे पहले, देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक दोनों ने साथ में मिलकर काम करा, ए प्लस बी दोनों ने काम करा है, लेकिन यहाँ तक 1 घंटे पहले है ना, 1 घंटे पहले किसको बंद कर दिया गया, पहले वाले को, यानी कि ए को क्या कर दिया, बंद कर दिया गया यहाँ पर। तो इतना इतना जो काम बचा है, इतना इतना वो तो बी ही करेगा ना, वो तो बी करेगा ना, कौन करेगा, बी बचा अब तो वही करेगा ना। तो हम क्या कर रहे हैं कि जो 1 घंटे का जो काम बचा हुआ, ये वाला जो बचा है ना, ये वाला काम, ये कौन करेगा, बी करेगा अकेला, बी करेगा ये वाला अकेला। तो कितनी स्पीड से कर रहा है 1 घंटे में, 4 की स्पीड से। तो निकाल लीजिए 56 में से 4 कर लीजिए, करा दीजिए काम, इसको कितना बचा, 52 बचा। अब 52 काम जो बचा है, तो 52 काम तो इन दोनों ने मिलकर करा था ना यहाँ पर, ये पूरा काम किसने करा था, इन दोनों ने करा 52 काम मिलके। तो कितनी स्पीड से करा, ये 7 की स्पीड से करेगा, ये 4 की, यानी 7 और 4 11 की स्पीड से काम करेंगे, कौन सा काम, 52 काम, कितना आएगा यहाँ पे, काट लीजिए इसको, 11 चौ 44 कितना बचा, 8 बचा, 8 से 8/11 आ जाएगा। और ये 1 घंटा जो है बी ने काम करा था अकेले, तो कितना हो गया, 5 से 8/11 जो है आपका आंसर बन जाएगा, कि इतनी देर में क्या होगा, वो होज भरा जाएगा। तो अब उम्मीद है कि डाउट नहीं होगा, वो तो भी बता दीजिए, कोई बात नहीं, हम यहाँ पर बताने के लिए ही बैठे हुए हैं। आया ना समझो क्वेश्चन, ठीक है, अब चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ, चले। अब क्वेश्चन आया है थोड़ा सा अच्छा वाला, है ना। तीन पाइप है एबीसी, एबी उसको क्रमशः 3 घंटे में और 4 घंटे में कर सकते हैं, जबकि सी उसे पूरा 1 घंटे में खाली कर सकता है। यदि तीनों पाइप क्रमशः 3 बजे, 4 बजे और 5 बजे खोले जाएं, तो होज किस समय खाली हो जाएगा। चलिए टाइम शुरू होता है अब, आपका 1 मिनट है पूरा आपके पास करने के लिए, करके दिखाइए जरा इसको, अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए बताइए क्या बनेगा इसका आंसर। किसी का आंसर नहीं आया है, देखिए दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कोशिश करिए करने की। चलिए अपन करते इसको, देखना है ना, देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है कि एबीसी तीन पाइप है, ए बी और ए सी, ठीक है, 3 घंटे में करता है, ये करता है 4 घंटे में, और सी इसे खाली करता है कितने, 1 घंटे में। ये खाली करने वाला नल है ना सी जो है, ये माइनस कर देता हूँ यहाँ पे, ये खाली करने वाला नल, ठीक है। अब इनका एलसीएम कितना आएगा, 12 आएगा, 3 चौक 12, 4 3 12 और 12 एकम 12, ठीक है, 12 की स्पीड से खाली करेगा और 3 और 4 की स्पीड से ये भरेंगे दोनों, है ना। अब यहाँ पे समझिएगा थोड़ा सा, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ए, ये बी और ये सी। ए को स्टार्ट किया जाता है 3 बजे, बी को स्टार्ट किया जाता है 4 बजे और सी को स्टार्ट किया जाता है 5 बजे, ठीक है, समझिएगा ध्यान से, है ना। अब हम इसके आंसर तक जाते हैं, ठीक। अब हमें काम कितना करना है, टोटल 12 काम करना है, ठीक है, कर लेंगे। अब 4 बजे अगर, सॉरी 3 बजे अगर पहले वाला नल स्टार्ट कर रहा है, तो देखिए 3 बजे काम करना स्टार्ट होगा या नहीं होगा, होगा ना। अब 4 बजे क्या करा, 4 बजे क्या करा, दूसरा वाला नल चालू करा ना, दूसरा वाला नल चालू करा इसने, तो देखिए वो यहाँ पर भी काम करेगा, कौन सा, पहले वाला। और बी स्टार्ट हुआ कितने बजे, 4 बजे, तो ये दोनों चालू हो गए कितने बजे, 4 बजे।
मतलब ए जो है वो तो 3 बजे स्टार्ट हो गया था, वो 3 से लेकर 4 बजे आएगा तो काम तो करेगा ना, अभी भी काम करेगा, वो तो बंद थोड़ी ना हुआ है, काम करेगा यहाँ पर भी। लेकिन स्टार्ट कौन हुआ है? बी वाला, तो हमने कर दिया स्टार्ट यहाँ पर 3। अब कौन आया? अब आया भैया सी, कितनी बजे? 5 बजे। कितनी की स्पीड से काम करेगा भैया? 12 की स्पीड से काम करेगा, तो लिख लिया हमने 12। अब यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे भी 3 आएगा, और यहाँ पर भी कितना आएगा? 4 आएगा, क्योंकि भैया ए जो है बंद थोड़ी ना हुआ है, वो तो 3 बजे भी स्टार्ट हुआ था, तो 4 बजे तक भी कर रहा है, 5 बजे तक भी कर रहा है वो तो, और उसके बाद भी करता रहेगा। लेकिन बी जो है 4 बजे आया था, 3 की स्पीड से इसने काम करा, तो भैया 5 बजे भी 3 की स्पीड से ही काम करेगा, वो तो कंटिन्यू चल रहा है, बंद थोड़ी ना करा। अब सी जो है कितनी बजे आया? 5 बजे आया। कितनी की स्पीड से काम कर रहा है वो? 12 की स्पीड से काम कर रहा है। मतलब अब यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, सुनिएगा ध्यान से, टंकी कितनी भरा चुकी है? 12 हमारे पास टोटल काम था, टंकी कितनी भरी है यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। 4 तो ये, क्योंकि दोनों ये भरने वाले हैं, ये दोनों क्या है? भरने वाले हैं, और सी क्या कर रहा है? इनको खाली कर रहा है ना, तो 4 तो ये भर दी यहाँ पर, फिर 4 यहाँ पर भरी होगी, कितना होगी? 8। 8 और 3 कितना होंगे? 11। मतलब टंकी कितना भर चुकी है? 11 तो भरा गई है ना। अब यहाँ पर क्या हो रहा है? तीनों मिलके काम कर रहे हैं, तो ये दोनों तो भरने वाले हैं, 4 और 3 कितना हो गए? 7। और खाली कितना हो रहा है? 12। तो 7 माइनस 12 कितने हो जाएंगे? 5। मतलब कि 5 की स्पीड से क्या होगा? खाली होगी या नहीं होगी? अब खाली टंकी होगी ना या नहीं होगी? होगी। भरी हुई कितनी है अभी? 11 है, क्योंकि 4 बस तो उन्होंने भर लिया था ना यहाँ पे, इतना इतना भर लिया था। कितना भरा था? 11 भरा था। खाली कितना होगी? इतना ही तो होगी वापस, तो बस 5 से इसको डिवाइड कर लीजिए। कितना आ रहा है? 5 गुना 10 कितना बचा? 1/5। इसको आप मिनट में चेंज करोगे तो कितना आएगा? 12। यानी कि 5 से गिन लीजिए कितना? 6 और 7, यानी 7:12। समझ में आया क्वेश्चन या नहीं आया बता दीजिए। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है दोस्तों, समझ में आया तो आ जाएगा फटाफट, नहीं आया तो भी बता दीजिए, कोई बात नहीं, एक बार और कर लेंगे इसको। समझ में आया? क्योंकि अगला वाला क्वेश्चन है इसी के ऊपर है, सेम क्वेश्चन है। जल्दी बता दीजिए, समझ में आया या नहीं आया क्वेश्चन? चलिए अगले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगले वाला आप लगाइएगा, सेम इसी के ऊपर क्वेश्चन है। 15 और 12 घंटे में भरते हैं, और तीसरा नल जो है 4 घंटे में खाली कर देता है, तो पाइप को क्रमशः 8 और 9 और 11 बजे खोला जाए, तो टंकी कितने बजे खाली होगी? सेम क्वेश्चन है ना। वहां पर घंटे बिल्कुल एक ही घंटे की दूरी पर दे रखे थे, लेकिन यहाँ पे 8 से 9 और 9 से 10 नहीं है, यहाँ से 9 से 11 है। कोशिश करिए करने की, क्या बनेगा इसका आंसर? सेम उसी से करना है जैसा कि अभी आपने पहले वाला क्वेश्चन करा है, इससे अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। कर रहे हो के नहीं कर रहे हो? चलिए मैं कराता हूँ इसका भी। देखिए यहाँ पर 2 3 पाइपें वापस से, ए मान लेते हैं, बी और सी मान लेते हैं, 15 मिनट, ये 12 मिनट, और ये 4 घंटे। इनका एलसीएम कितना आएगा? 60 आएगा। 15 चौक 60, 15 5 सॉरी 12 5 60, और 4 से काटेंगे तो कितना आएगा? 15। ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है? 8 बजे खोल रहा है, 9 बजे और एक 11 बजे। ठीक है। अब यहाँ पर सुनिएगा मेरी बात ध्यान से, देखिए पहले वाला जो क्वेश्चन करा था ना, बिल्कुल उसी पैटर्न पर है क्वेश्चन, ध्यान से समझिएगा। अब पहले वाला जो नल है, टोटल काम हमारे पास कितना है? 60 है। अब 8 बजे पहले वाला नल खुला है, तो 8 से 9 1 घंटा, 9 से 10 2,
और 10 से 11 तीन घंटे लगातार कौन काम करेगा? पहले वाला तो करेगा। कितनी स्पीड से करेगा? एक घंटे में कर रहा है, चार की स्पीड से, तो तीन घंटे में कितना करेगा? चार या 12, तो 12 काम तो कौन करेगा? ए वाला करेगा, है ना। अब सेकंड वाला कब चला है? 9 बजे चला है। 9 से कितना? 11, यानी 2 घंटे का काम कितना हुआ उसके? 5 गुना 10 कितना काम हो गया इसका? 22 काम हो गया है। हुआ या नहीं हुआ बताइए? हो गया ना। तो 22 काम तो उन्होंने कर लिया है भैया। कितनी बजे तक? 11 बजे तक, मतलब टंकी भरा चुकी है। कितनी? 22। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, है ना। टंकी कितनी भरा चुकी है? 22 तो भरा चुकी है। अब क्या बोला है यहाँ पर, मतलब 60 में से 22 तो भरा चुकी टंकी। ठीक है, अब 11 बजे तीनों को खोल दिया जाए तो टंकी जो है कितनी बजे खाली हो जाएगी? तो देखिए, 5 4 से भर रहा है, 5 से ये भी भर रहा है, यानी 5 और 4 कितने हो जाएंगे? 9 हो जाएंगे। और 15 की स्पीड से खाली कर रहे हैं तो कितना बचा यहाँ पर? 6 बचा। यानी कि 6 की स्पीड से क्या हो रही है? वो खाली हो रही है। तो खाली कितनी होगी? जितनी भरी है उतनी ही खाली होगी। होगी या नहीं होगी? उतनी होगी ना। तो बस 6 से इसका क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। कितना हो जाएगा? 11 बटे में 3। कितना होगा? 11 बटे में 3। अब आपको क्या करना है, सॉरी, यहाँ पे आपको मिनट निकालना है। तो 3 दूना 6 यानी 11 20। तो अगर 11 से कितनी कहीं गड़बड़ी होगी इस क्वेश्चन में, रुकेगा वापस, समझते हैं इस क्वेश्चन को, है ना। गड़बड़ी होगी इस क्वेश्चन में, बाईस काम इन्होंने कर लिया। देखिए, ये पहले वाले के हिसाब से कर लेते ना, ए बी सी। ठीक है, ए बी सी। अब कितनी बजे? 8 बजे, ये 9 बजे, और यहाँ बीच में 10 ले लेते हैं, और ये 11 11 बजे कौन सी स्टार्ट हो रहा है ना। अब देखिए, जो ए जो है, 4 यहाँ पर भी काम करेगा, यहाँ पर भी करेगा, यहाँ पर भी करेगा, और यहाँ पर भी करेगा। बी जो है 9 बजे स्टार्ट हुआ, यहाँ पर भी करेगा और यहाँ पर भी करेगा। अब 11 बजे जो है कौन चालू हो गया? तीनों एक साथ चालू हो गए, यानी कि भैया 15 भी आ गया यहाँ पर, है ना। 15 भी आ चुका है। तो काम कितना कर लिया इन्होंने? 4 4 8 12, 12 5 5 10, यानी 22 काम तो इन्होंने कर लिया। और 5 और 4 9, 9 में से अगर आप 15 को माइनस करोगे तो कितना आएंगे? 6। तो 6 से अगर इसको काटोगे आप, तो 2 3 6 और 2 1 2, यहाँ पे गड़बड़ी क्यों हो रही है? यहाँ पर आंसर क्यों नहीं बन रहे हैं? सेम उसी के हिसाब से आप कर रहे हो, तो फिर कहाँ गलती हो रही है इसमें? चलिए आप करिए, आपका आंसर आया क्या इस क्वेश्चन का? बी इसका आंसर सी 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 1 40। कहाँ गलती हो रही इस क्वेश्चन में? 6 2 1 2 11 में। सही है, बिल्कुल सही कर रहे हैं अपन। थोड़ी सी गलती मेरे से ही हो गई यहाँ पर। देखिए, इसको मैंने काटा था ना, कितना आया था? 11 बटे में 3 आया था। अब 3 से इसको डिवाइड करिए आप, 3 से आप इसको डिवाइड करिए, कितना हुआ? 3 3 9, कितना हुआ? 3 3 9, कितने बचे आपके पास? 2 बचे, 2 बटे में 3। लेकिन देखिए, ये 3 घंटे तो आपके पास आ चुके हैं, लेकिन इसको भी आपको काम में कन्वर्ट करना पड़ेगा मिनट में। तो 3 दूना 6 यानी 2 दूना कितना हो जाएंगे? 4, यानी कि 3 घंटे और 40 मिनट। तो देखिए, कब से शुरू हो गया था खाली होना? 11 बजे से हो गया था। 11 से आप 3 गिनी है, 11 से 12 1 और 2, 2 बजकर 40 मिनट जो है आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, मैं क्या कर रहा था, मैं इसको ही काट नहीं रहा था, मैं इसको इंटू 60 कर रहा था, तो वहां पे गलती हो गई थी। ठीक है, तो सही कर रहे थे आप, बिल्कुल प्रोसेस सही है यहाँ पर। बस ये 11 बटे 3 को लेकर 60 कर रहा था, तो वो गलती हो गई थी यहाँ पर, है ना। चलिए, तो अब जो आंसर बनेगा आपका 2 बज के 40 मिनट, है ना। आप सोच रहे हो सर 22 को ही क्यों कर रहे हो? क्योंकि 22 ही भराई थी वो, तो खाली उतना ही तो होगा, है ना। उससे काम आगे बढ़ ही नहीं सकता, क्योंकि खाली करने वाले जो पाइप है ना, उसकी स्पीड ज्यादा है दोनों से, है ना। तो सी वाला ऑप्शन में नहीं, मतलब सी वाला जो इसका राइट आंसर नहीं होगा,
का जो राइट आंसर होगा 2:40 का राइट आंसर होगा। चलिए समझ में आया या नहीं आया? नहीं आया तो भी बता दीजिए, दोनों ही सेम क्वेश्चन थे दोस्तों, हो जाती है कभी कभी गलती। चलिए अगले वाले क्वेश्चन एक बार और समझिए, चलिए एक बार और कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर ए बी सी थे, ए बी और सी 15, 12 और ये 4 घंटे में खाली कर रहे थे ना, तो इनका एलसीएम कितना आया? 60 आया। 15 चौक 60, 12 पंच 60 और 4 से कटेंगे तो 15। अब क्या हो रहा है कि 8 बजे शुरू हो रहा है पहले वाला नल, ठीक है, तो मैं यहाँ पे बना लेता हूँ ए बी और सी। ये 8 बजे चल रहा है, ये 9 बजे चल रहा है, बीच में आएगा 10 और ये 11 बजे कितना स्टार्ट होंगे, सी वाला भी स्टार्ट हो जाएगा, है ना। ठीक है, अब देखिए जो ए वाला स्टार्ट होगा 8 बजे तो वो तो 11 बजे तक काम करेगा ही सही ना, क्योंकि वो बंद तो हो नहीं रहा है बीच में, तो 4 काम यहाँ पर भी करेगा, यहाँ पर भी करेगा, यहाँ पर भी करेगा, यहाँ पर भी करेगा, मतलब कि 12 काम वो अकेला करेगा कि नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। अब कौन आया भैया? 9 बजे आया है बी। वो कितने बजे स्टार्ट हुआ? 9 बजे स्टार्ट हुआ, तो 5 की काम मतलब 5 की स्पीड से काम करेगा, 5 यहाँ करेगा, 5 10 बजे भी करेगा और 5 11 बजे भी करेगा, तो कितना काम कर लिया उसने? 2 घंटे का 5 गुना 10, 5 और 5 10, 10 और 5 15। ठीक है, अब क्या करिए, 9 10 मतलब 1 घंटा का काम फिर वो कितना करेंगे? देखिए 9 बजे आया है तो भैया 5 बजे, सॉरी 9 बजे आया है ना, तो 5 काम यहाँ करेगा, 10 बजे भी करेगा, तो कितना काम कर लेगा? 10 काम हो यहाँ पर भी कर लेगा। अब 11 बजे क्या हुआ? 11 बजे क्या हुआ कि ये भी शुरू हो रहा है, ये भी शुरू हो रहा है और ये वाला भी स्टार्ट हो रहा है, कौन? 11 बजे सी, है ना। अब देखिए ये भर तो कितनी स्पीड से रहे, 5 और 4 9 की स्पीड से भर रहे हैं, लेकिन खाली कितने से हो रहा है? 15 की स्पीड से हो रहा है, तो देखिए माइनस करोगे तो कितना आएगा आपके पास? 6 आएगा ना, तो 6 की स्पीड से खाली हो रहा है और आपने काम कितना करा था यहाँ पर? 12 4 और 4 8 और 4 12 हो गया और 5 और 5 10, यानी कि 22 काम उसने कर लिया है ना, 22 टंकी भरा चुकी है ना। अब वो 6 की स्पीड से इसको खाली भी तो करेगी, तो कितना आएगा? 6 3 18 आएगा, कितने बचे अपने? 3 3 बटे में हो जाएंगे 6 6 से आप 60 रख लीजिए, यहाँ पर कितना आएगा? गलती होगी, चार यहाँ पर, ठीक है, तो 3:40 मिनट, सॉरी 3 घंटे 40 मिनट, तो 11 बजे के बाद आप 3 जोड़ लीजिए, कितना आएगा? 2 बज जाएगी, 2:40 पर क्या होगा? टंकी खाली हो जाएगी। देखिए ऐसे भी समझ में नहीं आ रहा है तो यहाँ पर सीधा सीधा कंसेप्ट रखिएगा, 8 से 9 10 और 11, यानी 3 घंटे का काम किसने करा है भैया? ए ने करा, तो 4 से 12 काम कर लिया, फिर 9 बजे बी स्टार्ट हुआ तो 11 बजे तक काम करा, यानी 2 घंटे काम करा है, कितना काम कर लिया उसने? 10 काम कर लिया, तो कितना काम हो गया? 22 काम हो गया। अब 11 बजे बाद तीनों चलेंगे तो 5 और 4 कितने हो गए? 9 हो गए, 9 में से अगर 15 माइनस करोगे तो कितना? 6 की स्पीड से खाली होगा, तो यहाँ से भी आप सीधा सीधा निकाल सकते हो। अगर आपको ये वाली समझ में नहीं आ रही है तो आप ऐसे भी कर सकते हो दोस्तों, ठीक है। चलिए अब डाउट तो नहीं है किसी को? चलिए नहीं होगा, मैंने 2 बार समझा दिया इसको, तो है ना। चलिए अगले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं, लगाइए इसका आंसर क्या बनेगा। देखिए सेम क्वेश्चन है ये वाला जो हमने टाइम एंड वर्क में करा था, दो ए बी दो दो मिलकर काम कर रहे हैं, ए बी काम कर रहा है 4 में, बी सी कर रहे हैं 6 में और ए सी कर रहे हैं 8 मिनट में कर रहे हैं, तो ए अकेला उस काम को कितनी देर में करेगा? याद आ रहा है कुछ? याद आ रहे हैं पुराने दिन कि नहीं आ रहे हैं? चौबीस इनका एलसीएम आ जाएगा, 4 6 24 6 24 8 24, है ना। ए नल उसे कितने घंटे में भरेगा? देखिए टोटल काम आपके पास कितना है? 24 है, लेकिन देखिए सब दो दो बार काम कर रहे हैं, ए भी 2 बार है, बी भी 2 बार है, सी भी 2 बार है, तो हमारा काम भी क्या होगा? डबल होगा, यानी कि 24 दुना कितना होंगे? 48 हो जाएंगे। अब
एक आपको निकालना है कि वो कितने घंटे काम करेगा, तो जिसमें ए है वो जोड़ लीजिए कितना होगा, 6 और 3 कितना हो गए, 9 हो गए, 9 हो चुके हैं, तो एक इसमें नहीं है उसमें से माइनस कर लीजिए, 9 में से अगर 4 चले गए तो 5 बचे, 5 से अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, मतलब कि एक की कैपेसिटी कितनी आ गई, 5 आ गई, 5 से इसको डिवाइड करोगे तो 5 9 45 कितना बचा आपके पास, 3, 9 सही, 3/5 आपके आंसर हो जाएंगे। ठीक, चलिए अगले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं, लगा दीजिए इसका भी। देखिए दो नले जो 20 मिनट और 30 मिनट में भर सकते हैं, दोनों नल खोले जाने के कुछ समय पश्चात पहले वाला नल जो है ए बंद कर दिया जाता है, तो शेष टंकी 18 मिनट में भर जाती है, तो पहले वाला नल जो है लगभग कितने समय पश्चात बंद किया गया था, निकालिए। आया किसी का आंसर? 6, 6 तो ऑप्शन में है ही नहीं। देखिए दो नाले यहाँ पर भी कौन है, ए और बी मान लेते हैं, तो ए हो रहा है 20 में, बी वाला 30 में, एलसीएम कितना आया, 60 आया, 20 किया 60 और 30 दोनों 60। ठीक है, अब दोनों नल खोले जाने के बाद, मतलब कि दोनों नल को जो है साथ में काम करवाया है और कुछ समय पश्चात ए को बंद कर दिया, फिर जो है शेष टंकी 18 मिनट में भर जाती है, मतलब कि वो 18 मिनट किसने काम करा, बी ने ही तो काम करा होगा या नहीं करा होगा, शेष काम जो है भैया 18 मिनट में खत्म हो गया है ए को बंद करने के बाद, तो 18 मिनट जो है बी ने काम करा होगा, तो 18 दूना कितना होंगे, 36 होंगे, तो 36 काम इसने कर लिया, तो शेष काम कितना बचा आपके पास, 4, यहाँ पे कितना बचा, 24 काम बचा है, तो पहले वाला नल जो लगभग कितने समय के पश्चात बंद किया गया, तो देखिए कितने समय के बाद बंद किया गया, मतलब कि ये 24 काम जो था, ये जो 24 काम जो है ना, तो ये तो दोनों ने मिलके करा होगा ना, ये तो दोनों ने मिलके करा होगा, क्योंकि देखिए अगर मैं आपको लाइन बना के समझाऊं, तो शेष काम ये 18 था, किसने करा, बी ने करा, और लेकिन यहां से यहां तक का काम तो दोनों ने मिलके ही करा होगा, है ना, ये अकेला बी कर रहा है, ये अकेला अगर बी कर रहा है तो ये तो काम किसने करा होगा, दोनों ने मिलके करा होगा ना। ठीक है, तो 24 काम दोनों ने मिलके करा होगा, 5 मतलब 5 की स्पीड से, तो 5 चौक कितना हो जाएगा, 20, कितना बचे, 4/5। ठीक है, तो कितने समय के बाद बंद किया गया था, तो 4 सही 4/5 मिनट के बाद ए नल को बंद किया गया था, और यही आपसे पूछा गया था। ठीक है, तो आज के जो क्वेश्चन है पाइप टंकी नल के जो चैप्टर है ये यहीं समाप्त तो होता है दोस्तों, तो कल मिलते हैं महिला पुरुष और बच्चे इनके ऊपर आधारित क्वेश्चन के साथ, है ना, तो आप घर पे प्रैक्टिस करिएगा इस चैप्टर की, बिल्कुल टाइम एंड वर्क के जैसा ही चैप्टर है, उम्मीद करता हूँ कहीं दिक्कत नहीं आएगी, है ना, और तैयारी करते रहे, अच्छे से पढ़े। चलिए अब मिलते हैं कल की क्लास में नए क्वेश्चंस के साथ, है ना, सभी को धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं कल।